नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी अपनी भी आवेदन कर रखा है, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुक कर रखा है, तो आपको अगर बुलाया जा रहा है या फिर आपके पास एक मैसेज आया है कि आपको इस डेट पे यहाँ पे विजिट करना है RTO, वहाँ पे विजिट करके दोस्तों आपको वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना है इस दिन, तो ये खबर आपके लिए है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस खबर में आपको वैसी बात बताऊँगा जिससे आपको थोड़ा सा चौंकना और सचेत हो जाना है। इसमें दोस्तों हो क्या रहा है कि यहाँ पे RTO ने ऐलान कर दिया है कि स्क्रीनिंग के टाइम अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अगर ज़्यादा निकला, जो तय मानक बनाए गए हैं उससे अगर ज़्यादा निकला, तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। आप लर्निंग के टेस्ट नहीं दे पाएंगे ऑनलाइन तरीके से, जो वहाँ पे होते हैं कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल टेस्ट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि लर्निंग लाइसेंस के जो आवेदक हैं वो नया कोई लाइसेंस यहाँ पे आवेदन अभी नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यू अप्लाई सरकार ने रोक कर रखी हुई है। जितने पुराने आवेदक हैं, रिन्यूअल करता है, जिनके परमानेंट बन के रखे हुए थे, थोड़ा थोड़ा उनका काम बचा हुआ था, या फिर लर्निंग के जिन्होंने पहले आवेदन कर रखे बनवाने के लिए और वहाँ पे उन्होंने टेस्ट स्लॉट बुक कर रखा है, तो उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। क्रमवार तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल चल रहा है, यानी कि जो पहले आवेदन कर रखा था उनको पहले बुलाया जा रहा है, और ये क्रमवार तरीके से वन बाय वन उनको बुलाया जा रहा है और उनका पहले स्क्रीनिंग की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर बड़ी खबर दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे RTO में लर्निंग के टेस्ट से संबंध में, तो आपको वहाँ पे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिना वहाँ पे एक मास्क लगाए हुए और वहाँ पे अपने को पूरा सैनिटाइज किए बगैर आप अगर विजिट करेंगे RTO में, तो आपको वहाँ पे पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपके बॉडी की स्क्रीनिंग थर्मा जो मीटर होते हैं उसके दोस्तों वो द्वारा जो बड़ी वाली मशीनें हैं चेकिंग की, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो चेक करते हैं, आपने देखी होगी, उसके माध्यम से आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा अपने बॉडी का टेम्परेचर। वहाँ पे अगर 98 से प्लस आपका बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि अगर 100 के करीब में हैं आप, तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। अगर आपके शरीर में बुखार वगैरह है, जुकाम है, तो मैं पहले ही सलाह दे देता हूँ कि आपको RTO ऑफिस, DTO, ARTO, जो भी आप ऑफिस विजिट कर रहे हैं टेस्ट देने के लिए, वहाँ ना जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, पहले से ही बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती अगर आप करते हैं तो वहीं पर दोस्तों आपको सीधा सीधा वहाँ पर रूल रेगुलेशन ब्रेक के जुर्म में आपके ऊपर केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप RTO ऑफिस विजिट ना करें। यही दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। खुद RTO ने ऐसा ऐलान करके बोला है कि यहाँ पे अगर आप लर्निंग लाइसेंस के आवेदक हैं तो आपका स्क्रीनिंग की जाएगी। जैसे आप RTO में विजिट करेंगे और आपके बॉडी का टेम्परेचर का तय मानक पैमाना जो है दोस्तों 98.5 तक रखा गया है, इससे ज़्यादा आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आए थे लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट देने वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कुछ पूछना है तो आप YouTube कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। पर्सनली बातचीत करना है तो मुझे Instagram पर फॉलो करके कोई बातचीत सुझाव दे सकते हैं। @technicalalokji मेरा Instagram हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। मैं ऐसे ही नॉलेजबल इंटरेस्टिंग वीडियो डेली चैनल पर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक अभी लाइक कर दें और शेयर भी सभी लोग तक करिएगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि नए नियम क्या हैं। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।